मैं नेपाल की। अच्छा, नेपाल की रहने वाली है, तो बिहार के लड़के से प्यार कैसे हो गया? ऑनलाइन प्यार आजकल होता है ना। हाँ। तो ऑनलाइन हुआ। हाँ। तुम मुझे पसंद हो। हाँ। इससे मेरे को मना कर दिया। हाँ। फिर मैंने 6 महीने मतलब ट्राई किया। हाँ। कि यार मतलब क्या कमी है मेरे में। नेपाल में भी तो बहुत सारे लड़के हैं, बिहारी लड़का ही इतना पसंद कैसे? मुझे बस ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे केयर करे, मेरा बात समझे, सुने मेरे को। बेरोजगार लड़का से ही शादी? देखो मुझे पैसा से तो मतलब ही नहीं है। हाँ। अगर मुझे पैसा से मतलब, आजकल के लड़कियों को तो चाहिए भाई, पैसा चाहिए, ऐश चाहिए, आराम चाहिए, तब वो लड़के को पसंद करती है। सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। हाँ। अब सब लड़के लड़कियों का यूज करते ये नहीं करता ना, तो ये भी अलग है। हाँ। लड़की का मम्मी पापा चाहता है कि मेरा बेटी का ये हो, सरकारी नौकरी हो। मैं बताती हूँ, ठीक है, इसका सरकारी नौकरी नहीं था, ओके, और इसने पहले बोला था इसको दहेज भी नहीं लेना, तो दोनों में सही हुआ ना। सर यो देवर जी, दिन में पीते हैं भांग, रात में खोजते हैं तारी, ऐसे नहीं मिलेगी मिथिला की राजकुमारी, बुझली है। बट एक बार फिक्स हो गया ना तो यार मन नहीं करता यार, क्या बात करूँ किसी से। हाँ। वही बाबू सोना। हाँ। तो क्या चलो सही है, एक फिक्स है ना, काफी है। बाबू सोना करते सारे तुम। नॉर्मली बोला यार। बिहार के एक साधारण से घर का लड़का जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से नेपाल की एक लड़की से प्यार हो जाता है, और इसके बाद दोनों जाकर नेपाल में शादी कर लेते हैं। इसके बाद इनका तमाम जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनके बारे में अगर बात करें तो ये नेपाल की रहने वाली है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती है, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स है। बाकी हमारे साथ दोनों लोग खुद जुड़े हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत झा है। और आपका क्या नाम हुआ? किशोरी झा। ये बताइए आप कहाँ की रहने वाली है? मैं नेपाल की। अच्छा, नेपाल की रहने वाली है, तो बिहार के लड़के से प्यार कैसे हो गया? ऑनलाइन प्यार आजकल होता है ना। हाँ। तो ऑनलाइन हुआ। मतलब ऑनलाइन हुआ, तो कौन से प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुलाकात हुआ? लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन। अच्छा, तो उस ऐप पर मतलब आप जुड़ी हुई? हाँ। तो इनसे कैसे मतलब? वो भी उस एप्लीकेशन पे काम करता था, मैं भी करती थी। अच्छा, मतलब दोनों लोग उस एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे। तो उसके बाद कैसे बातचीत हुई शुरू, और बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गया? बातचीत ऐसे बातचीत मतलब मैंने इसको बोला कि मैं तुम मुझे पसंद हो। हाँ। इसने मेरे को मना कर दिया। हाँ। फिर मैंने 5-6 महीने मतलब ट्राई किया। हाँ। कि यार मतलब क्या कमी है मेरे में। फिर इसने बोला चल ठीक है, रिलेशनशिप में आते हैं। हाँ। पर इसने मेरे को बोला था कि शादी नहीं करेंगे। हाँ। फिर खुद बोलता है। पहली बार आपके तरफ से इनको प्रपोज किया गया? अधिकतर देखा जाता है कि लड़के जो है लड़कियों को देखकर प्रपोज। मेरे को ये लगता है अगर अपने मन में कुछ है तो बोल दो भाई। अगर वो बंदा को कोई लेके चला गया या फिर कुछ भी चीज, मैं फैमिली को भी मुझे कुछ चाहिए मैं बोल देती हूँ। जो भी डर लग रहा था कहीं दूसरी लड़की के चक्कर में ना ये आ जाए, इसलिए आपने पहले ही प्रपोज कर दिया। हाँ, दिल की बात पहले रखनी चाहिए भले कोई भी क्यों। पहली बार जब आप इनको प्रपोज की तो क्या रिएक्शन क्या था? मतलब पहली बार में ही आपके जाल में आ गए या फिर धीरे धीरे आए? नहीं, ये बहुत अकड़ू है। हाँ। इसने मेरे को झूठ बोला कि मैं किसी और को पसंद करता है। हाँ। तो मेरे को बुरा लग गया, मैंने बोला छोड़ यार, किसी और का प्रॉपर्टी हाथ नहीं डालना। हाँ। फिर बाद में बोला कि मैं झूठ बोल रहा था, तो फिर इसने नंबर वंबर दिया, तो हम लोग ऐसे बात करने लगे। इसने मेरे को बोला कि एज अ फ्रेंड रहते, मैंने बोला नहीं मेरे से तो नहीं होगा, अगर रहना है तो रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं तो वरना बात ही नहीं करेंगे। नेपाल में भी तो बहुत सारे लड़के हैं, बिहारी लड़का ही इतना पसंद कैसे आ गया? लड़का बिहारी बंगाली कोई भी हो, बस मुझे अच्छा लड़का चाहिए जो मुझे प्यार करे भाई। अच्छा, हाँ। कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैं ग्रेजुएशन। और आप कहाँ तक पढ़े लिखे? मैं भी ग्रेजुएशन। हाँ। मैंने 4-5 महीने का गैप लिया था। हाँ। कि अगर मैं रह सकता हूँ हमेशा के लिए तो फिर मैं गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। हाँ। अगर नहीं रहना तो फिर लव यू किसने बोला? मैंने। मैं तो बोल रही, मैंने प्रपोज किया तो मैं अभी भी बोलती, मैं दिन रात बोलती हूँ मुझे प्यार है तो है, अपना पति है, थोड़ी किसी और को बोलने जा रही हूँ। मैं तो रियली खुल के इतना बोल रही है आप। हाँ। समाज के लोग एक्सेप्ट किए, क्योंकि खासकर गांव के लोग चाहते हैं कि जब शादी हो तो धूमधाम से अरेंज मैरिज हो, सब कोई के सहमति से हो, ऐसा कुछ। मतलब शुरू में जब शादी हुआ तो क्या बोल रहे थे लोग, समाज के लोग? ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि गांव वाले भी हमसे बहुत प्यार करते हैं जहाँ तक। मतलब एक चीज होता है गाँव में कि भाई बिहार में इतनी सारी लड़कियाँ हैं, एक से खूबसूरत है, नेपाली लड़की को ले आया घर पे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब अब सबको लड़की भी पसंद आई तो सबने हाँ बोल दिया। अब मैं किसी अदर कास्ट के लिए आती, ये भी अपनी कास्ट की है। अच्छा, आपकी कास्ट सेम कास्ट है? हाँ, सेम कास्ट है, बट ये नेपाली है, मैं इधर का। तो मैं ऐसे नॉर्मली जब स्ट्रीमिंग करता था तो बहुत सारी लड़कियाँ थी बात करने वाले, जैसे ऐसे। तो मैं नॉर्मली घूमता फिरता रहता लाइव स्ट्रीमिंग में, तो सब देखते रहे यार ये लड़की से बात करिए वो, तो इसको पता था कि हाँ ये लड़की से बात करता है, पर किसी को पता नहीं था कि मैं शादी वादी करूँगा। तो मैंने सबको पहले बोल के रखा था, भाई साहब शादी वाला भोज किसी को नसीब नहीं होगा, ठीक है? भोज किसी को नहीं दिए शादी के बाद दिए मैंने बाराती वाला भोज। शादी कहाँ की है आप लोग? नेपाल में की शादी। नेपाल में जाके शादी की है? हाँ। बिहार में शादी क्यों नहीं की है? ऐसे मतलब ऐसा हुआ ना, सिचुएशन ही चेंज हो गया कि इधर से इधर, मतलब नेपाल से इधर आना पड़ा तो दूर पड़ गया। जब हम लोग आ रहे थे ना, मम्मी ने बोला कि आज शादी का अच्छा दिन है, घर पे आओगे तो लेके आना, बिना सिंदूर दिए घर पे एंट्री नहीं है। अच्छा, ठीक है। मम्मी मतलब राजी हो गई, आपके पापा जी भी कभी अब जो नकारे नहीं? मतलब अब फैमिली वाले तो अपने बच्चों की खुशी में खुशी देखते हैं। ये बताइए, अधिकतर लड़की के घर वाले चाहते हैं कि हमारा दामाद दूल्हा जो हम ढूंढ रहे हैं वो सरकारी नौकरी वोकरी वाला हो, जो पैसा वैसा कमाता हो। आप कितना कमा रहे थे उस समय? मैंने कमा रहा था, मतलब लाइक 10,000 जेब खर्चा निकल जाता था अपना, जेब खर्चा निकल जाता। जेब खर्चा वाला बेरोजगार लड़का से ही शादी? देखो मुझे पैसा से तो मतलब ही नहीं है। अगर मुझे पैसा से मतलब, आजकल के लड़कियों को तो चाहिए भाई, पैसा चाहिए, ऐश चाहिए, आराम चाहिए, तब वो लड़के को पसंद करती है। सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। हाँ। अब सब लड़के लड़कियों का यूज करते, ये नहीं करता ना, तो ये भी अलग है। तो सब लड़की पैसे मरती, इसका मतलब मैं भी मरूँ, ये तो अलग बात हो गया ना। तो सब सेम नहीं होता है। ये कमाता नहीं था, मुझे पता था, फिर भी मुझे क्या यार, कमाना खाना ही तो खाना होता है, क्या करना। मतलब दिल बहुत बड़ा आपका लग रहा है, कुछ भी करो। मतलब हमारे हम लोग जो अभी रहते हैं, हम लोग को ना खाना का कमी है ना लगाने का, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐश मौज घूमो फिरो कर सकते हैं, कुछ कमी नहीं है। नहीं तो फिर पैसा चाहिए क्यों, जितना है खुश है। मम्मी पापा नहीं बोले कि क्यों ऐसा शादी कर रही हो, हम शादी करेंगे तो अच्छा घर में करेंगे जो लड़का कमाता हो। सब लड़की का मम्मी पापा चाहता है कि मेरा बेटी का ये हो, सरकारी नौकरी हो। मैं बताती हूँ, ठीक है, इसका सरकारी नौकरी नहीं था, ओके, और इसने पहले बोला था इसको दहेज भी नहीं लेना, तो दोनों में सही हुआ ना। सरकारी नौकरी मैंने भी नहीं देखा, इसने दहेज भी नहीं देखा। हाँ। दोनों का दहेज भी नहीं लिया गया, बिना दहेज और सरकारी नौकरी उकरी कुछ नहीं, दोनों शादी किए ना। हाँ, मजे से। कितने साल से प्रेम प्रसंग था दोनों के लिए? मतलब एक साल हम लोग का रिलेशनशिप चला। हाँ। उसके बाद हम लोग ने शादी का, अभी शादी का महीना पहले शादी की है ना। हाँ, अभी 8 महीने होने वाला है, 8 महीना होने वाला आज 29 पर भी लगाती है क्या इनको? हाँ, तो ये तो होता ही है, हल्का ऐसा नहीं होता। मतलब ये प्रेम का थप्पड़ है ना। सब कुछ होता है, गुस्सा का भी होता है, हर टाइम प्रेम का ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि ज़्यादा बेटर अरेंज मैरिज वाले और लव मैरिज में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो अरेंज मैरिज करते हैं उनका लाइफ बहुत अच्छा जाता है, लड़की और की पैर और भी दबाती है एकदम, लेकिन लव मैरिज में लड़का जो है लड़की का पैर और दबाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम दोनों एक दूसरे का दबा देते हैं। मेरा दुख रही थी ये दबा देगा, इसका दुख रही थी मैं दबा दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। बस लड़की पैर दबाओ या लड़का पैर दबाओ, ऐसा नहीं होता है। मेरे को मानना है लव मैरिज में ज़्यादा कंफर्ट जोन होते थे, यार दबा दे। ऐसे शादी की इससे पहले भी तो आपको बहुत सारे और लड़के भी प्रपोज कर रहे होंगे जो अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे, लेकिन उसको भी आप ठुकरा दी। मुझे वो सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे केयर करे, मेरा बात समझे, सुने मेरे को। तो ये ऐसा ही है, जो मैं बोलती हूँ वही होता है ज्यादा। तो मिथिला भाषा थोड़ा सा बोलना कठिन होता है, आने के बाद मिथिला उथला सीखी है कि नहीं? कनी 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 क्या बोल लेती है मिथिला? हाँ, अभी मतलब समझ लेती है पूरा। हाँ। बट ये ज़्यादा नहीं बोल पाती है। इनकी मम्मी को ज़्यादा टेंशन होता है ना। हाँ। कि मतलब बेटी कहाँ जा रही है। हाँ। कहीं गलत रास्ते पर ना चले गई, गलत आदमी का हाथ ना लग गया हो। हाँ। ऐसा टेंशन था। मैंने बोला अंकल टेंशन मत लो। हाँ। कुछ दिन में हम लोग वापस आ जाएंगे। हाँ। आपकी बेटी का मैं ख्याल रखूंगा। ये बोले कि आपके पापा से कि बेटी का ख्याल, क्या बोले? हाँ, ये यही बोला कि मैं आप बेटी का टेंशन मत लो, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो मेरे पापा इसी वर्ड में फिसल गए। इसी वर्ड को सुन के आपके पिताजी इन पे फिसल गए। हाँ, तो पापा ने बोला ठीक है, फिर हम चले। हाँ, देखिए आज के समय आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लव मैरिज शादी करते हैं, लेकिन इसके बाद जाके वो अश्लील तरीके का वीडियो बनाते हैं और इससे समाज पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आप लोग अश्लील वीडियो भी बनाते हैं क्या? नहीं, असली नहीं होता है, बट मिथिला में जो गाली होता है ना, वो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो लोग मिथिला वाला गाली होता है, लेकिन वीडियो में कोई अश्लीलता गाना या अश्लीलता नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग, मैं बोलता हूँ कि साड़ी पहन के वीडियो बनाकर, कैसे भी हो वीडियो, बट साड़ी पहन के वीडियो बनाती है ना। हाँ। आपको नहीं लगता है कि छोटे कपड़े वगैरह पहनेंगे ज्यादा लोग व्यू जाएगा? वो नहीं। हाँ। हम छोटे कपड़े नहीं लगाते हैं, पर ये नहीं कि हम जीन्स नहीं लगाते हैं। हाँ। मैं जीन्स भी लगाती हूँ, कुर्ती वगैरह सब लगाती हूँ, पर इज्जत पे होता है ना एक, कि सबको लगे कि चल सही है, ये नहीं कि छोटा लगा दिया, ना भी दिखा रहा है ये दिखा रहा, ऐसा नहीं करता। रील्स कैसा आपका होता है? हम लोग ज़्यादातर अपना वॉइस में बनाते हैं, थोड़ा कॉमेडी होता है, कभी कभी रिएक्शन वीडियो भी बना लेते हैं। रिएक्शन भी होता है कि सबसे पसंदीदा जो आपका डायलॉग होगा वो थोड़ा सुनाइए। यौ देवर जी, अहा के भौजी भाव गेल तैयार, चलो घूम के आते हैं मधुबनी बाजार। तो मैथिली भी सीख गई है आप? हाँ, थोड़ा थोड़ा बोला ना। थोड़ा थोड़ा सीख गई है मैथिली ना। हाँ, अच्छा। ये बताइए, सोशल मीडिया पर अभी कितना फॉलोअर्स है? यूट्यूब पे 8,000 होने 9,000 होने वाला है, और फेसबुक पे एक मेन प्रोफाइल पे 1,61,000 है, और पेज पे अभी 48,000 है, और इंस्टाग्राम पे 1,00,000। क्या नाम है? यूट्यूब पे है किशोरी रिएक्शन, फेसबुक पे है किशोरी झा एक किशोरी रिएक्शन, और इंस्टाग्राम पे है किशोरी झा 384। लोग सपोर्ट जितना उम्मीद करते हैं उतना मिलता है? हाँ, उससे ज्यादा ही मिलता है हम लोगों को। उससे ज्यादा कमा कितना लेते हैं सोशल मीडिया से? अभी नहीं कमाते हैं। कई लोग कहते हैं लाखों रुपया कमाते हैं, आप लोग 1 रुपये भी नहीं कमाते? अभी नहीं कमाते हैं, फिलहाल तो नहीं कमाते क्योंकि यूट्यूब ग्रो नहीं किया है, ऊपर से इंस्टाग्राम में तो मोनेटाइज होता ही नहीं है, फेसबुक में मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं हुआ है। अब कमाई तो घर से ही वीडियो बनाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं? जो दिल्ली गए थे, मतलब कुछ काम के लिए भी गए थे, ऐसे वीडियो बनाने भी गए थे, 1 वीक वगैरह रहे फिर आ गए, क्योंकि अभी मतलब शहर में रहने के लिए पैसा भी चाहिए है ना, अपना मतलब चाचा के साथ रहोगे, हाईस 1 महीना रहोगे, उसके बाद खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार इधर बैठ के हम लोग वीडियो बनाने जाते हैं, तो इसलिए हम सोचे कि अभी गांव में बनाएंगे, जब थोड़ा आने लगेगा तो। अब जब से गर्लफ्रेंड बनी ना, उसके बाद मैंने कम कर दिया, मतलब खुद बातें करने का मन नहीं करता। पहले कर रहे थे लेकिन अब ये तो खुद केयर कर रही होगी। लड़के भी ऐसे होते हैं ना, पहले छिछोरे टाइप के, बट एक बार फिक्स हो गया ना तो यार मन नहीं करता, यार क्या बात करूँ किसी से, वही बाबू सोना, तो क्या चलो सही, एक फिक्स है ना, काफी है। बाबू सोना करते सारे तुम? कैमरा के पीछे आप रहते हैं और ये वीडियो बनाती है। हाँ, कैमरा में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि लोगों को जिसको देखना पसंद होता है ना, मैं चाहता हूँ कि तू भाई तुम उसको ही देखो। हाँ। क्यों बोरिंग होना वीडियो में आके? अगर मैं आऊँगा पीछे से कमेंट करेंगे यार भाभी इसको हटाओ प्लीज वीडियो से। हाँ। मैं बोलता यार मैं हट जाता हूँ, बाद में कमेंट करते हैं भाभी प्लीज अपना पति का फेस रिवील करो ना। उसको पता ही नहीं कि मैं पति मैं हूँ। अब तक पता नहीं चल पाता है सोशल मीडिया पर कौन नहीं, सबको नहीं पता चलता, क्योंकि ना देखो मैं, मेरा काला देवर है, गुड्डू है, सबके साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, तो कोई मेरे को मधुबनी जाता है, अब गुड्डू का बीबी हो बोलता है। इसके साथ मैं वीडियो ही बनाऊँ, बोलेगा आपका पति कौन है भाभी, आपका पति कौन है, 10 वीडियो पे डाल दो फिर भी क्वेश्चन करेंगे, सब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मेरा पति है कौन असल में। पहले आप सीरियल वगैरह में भी काम किया है? हाँ मैंने काम किया है, बट मैं एज अ जूनियर आर्टिस्ट गया था कि चलो कुछ देखते हैं, करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट वहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है ना, कोऑर्डिनेटर सब पैसा खा जाता है, रहने का, खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं होता है। जो सेट पे जाओ तो थोड़ा बहुत खाना अच्छा मिल जाए, तो इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला यार खुद से ही स्टार्टअप करो, आ जाएगा यार। एक अंत में कुछ डायलॉग काफ़ी सारा लिखते हैं, बताइए इनको कुछ अच्छा डायलॉग कोई बोलने के लिए अंत में। इनको बोलूँ? अब बाकी मिथिला का आपका बहुत सारा वीडियो जो है वायरल भी होता है रील्स में, कुछ चाहेंगे डायलॉग सुनाइए। यो छोटका देवर कमाल केने छी, हमार बहिन लाए घर में हड़ताल केने छी, बुझलिए? यो देवर जी दिन में पीते हैं भांग, रात में खोजते हैं तारी, ऐसे नहीं मिलेगी मिथिला की राजकुमारी, बुझलिए? ये मैथिली में हो गया ना। हाँ चलिए, बाकी दोनों लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप लोग सोशल मीडिया पर अच्छे तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका। चलिए बाकी हमारे साथ ये बिहार के प्रेमी जो रहे हैं, पहले तो ये नेपाल की थी लेकिन अब बिहार आ गई है तो बिहारी बन गई है। बाकी इनके कहानी को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।